शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों अपने परवरदिगार से डरो कि कयामत का जलजला एक हादसा अजीम है। ए मुखातब, जिस दिन तू उसको देखेगा उस दिन ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर पड़ेंगे और लोग तुझको मदहोश नजर आएंगे, हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे बल्कि अजाब देखकर मदहोश हो रहे होंगे। बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की शान में इल्म के बगैर झगड़ते और हर शैतान सरकश की पैरवी करते हैं, जिसके बारे में लिख दिया गया है कि जो उसे दोस्त रखेगा तो वो उसको गुमराह कर देगा और दोजख के अजाब का रास्ता दिखाएगा। लोगों, अगर तुमको मरने के बाद जी उठने में कुछ शक हो तो हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया था, यानी इब्तिदा में मिट्टी से, फिर उससे नुतफा बनाकर, फिर उससे खून का लोथड़ा बनाकर, फिर उससे बोटी बनाकर, जिसकी बनावट कामिल भी होती है और नाकिस भी, ताकि तुम पर अपनी खालिकियत जाहिर कर दें। और हम जिसको चाहते हैं एक मियाद मुकर्रर तक पेट में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालते हैं, फिर तुम जवानी को पहुंचते हो और बास कबल पीरी मर जाते हैं और बास बुढ़ापे की निहायत खराब उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि बहुत कुछ जानने के बाद बिल्कुल बेइल्म हो जाती हैं। और ऐ देखने वाले, तू देखता है कि एक वक्त में जमीन खुश्क पड़ी होती है, फिर जब हम उस पर मे बरसाते हैं तो वो शादाब हो जाती और उभरने लगती है और तरह तरह की बारौनक चीजें उगाती है। इन कुदरतों से जाहिर है कि अल्लाह ही कादर मुतलक है जो बरहक है, और ये कि वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, और ये कि वो हर चीज पर कुदरत रखता है, और ये कि कयामत आने वाली है उसमें कुछ शक नहीं, और ये कि अल्लाह सब लोगों को जो कब्रों में हैं जिला उठाएगा, और लोगों में कोई ऐसा भी है जो अल्लाह की शान में बगैर इल्म के और बगैर हिदायत के और बगैर किताब रोशन के झगड़ता है और तकब्बुर से गर्दन मोड़ लेता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे। उसके लिए दुनिया में जिल्लत है और कयामत के दिन हम उसे अजाब आतश सोजा का मजा चखाएंगे। ऐ सरकश, ये उस कुफर की सजा है जो तेरे हाथों ने आगे भेजा है, और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। और लोगों में बाज ऐसा भी है जो किनारे पर खड़ा होकर अल्लाह की इबादत करता है, अगर उसको कोई दुनियावी फायदा पहुंचे तो उसके सबब मुतमईन हो जाए, और अगर कोई आफत पड़े तो मुंह के बल लौट जाए, यानी फिर काफिर हो जाए। उसने दुनिया में भी नुकसान उठाया और आखिरत में भी, यही तो साफ नुकसान है। ये अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारता है जो ना उसे नुकसान पहुंचाए और ना फायदा दे सके, यही तो परले दर्जे की गुमराही है। बल्कि ऐसे शख्स को पुकारता है जिसका नुकसान फायदे से ज्यादा करीब है। ऐसा दोस्त भी बुरा और ऐसा साथी भी बुरा। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, अल्लाह उनको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। कुछ शक नहीं कि अल्लाह जो चाहता है करता है। जो शख्स ये गुमान करता हो कि अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में मदद नहीं देगा, तो उसको चाहिए कि ऊपर की तरफ यानी अपने घर की छत में एक रस्सी बांधे, फिर उससे अपना गला घोंट ले, फिर देखे कि आया ये तदबीर उसके गुस्से को दूर कर देती है। और इसी तरह हमने इस कुरान को उतारा जिसकी तमाम बातें खुली हुई हैं, और ये याद रखो कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। जो लोग मोमिन यानी मुसलमान हैं और जो यहूदी हैं और सितारा परस्त और ईसाई और मजूसी और मुशरिक, अल्लाह उन सब में कयामत के दिन फैसला कर देगा। बेशक अल्लाह हर चीज से बाखबर है। क्या तुमने नहीं देखा कि जो मखलूक आसमानों में है और जो जमीन में है, और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और चौपाए और बहुत से इंसान अल्लाह को सजदा करते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका है, और जिस शख्स को अल्लाह जलील करे उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं। बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है। चूंकि आयत सजदा तिलावत की गई, लिहाजा सामीन पर सजदा वाजिब है। ये दो फरीक एक दूसरे के दुश्मन अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ते हैं, तो जो काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे और उनके सरों पर जलता हुआ पानी डाला जाएगा, उससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी, और उनके मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे।
जब वो चाहेंगे कि उस रंजो तकलीफ की वजह से दोजख से निकल जाएं, तो फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि जलने के अजाब का मजा चखते रहो। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, अल्लाह उनको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके तले नहरें बह रही हैं। वहां उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और मोती, और वहां उनका लिबास रेशमी होगा। और उनको अच्छी बात की तरफ रहनुमाई की गई और खूबियों वाले मालिक की राह बताई गई। जो लोग काफिर हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से और मस्जिद हराम से, जिसे हमने लोगों के लिए यकसा इबादतगाह बनाया है, रोकते हैं, खा वो वहां के रहने वाले हों या बाहर से आने वाले, और जो उसमें शरारत से कजरवी और कुफ्र करना चाहे, तो उसको हम दर्द देने वाले अजाब का मजा चखाएंगे। और एक वक्त था जब हमने इब्राहिम को खाने काबा का मकाम बता दिया और इरशाद फरमाया कि मेरे साथ किसी चीज को शरीक न कीजो, और तवाफ करने वालों और कयाम करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को साफ रखा करना, और लोगों में हज के लिए ऐलान कर दो कि तुम्हारी तरफ पैदल और दुबले दुबले ऊंटों पर जो दूर दराज रस्तों से चले आते हों सवार होकर चले आए, ताकि अपने फायदे के कामों के लिए हाजिर हों। और कुर्बानी की अय्याम मालूम में मवेशी चौपायों के जबह के वक्त जो अल्लाह ने उनको दिए हैं, उन पर अल्लाह का नाम ले। अब उसमें से तुम खुद भी खाओ और खस्ता हाल जरूरतमंद को भी खिलाओ। फिर चाहिए कि लोग अपना मैल कुचैल दूर करें और मन्नतें पूरी करें और उस कदीम घर यानी बैतुल्लाह का तवाफ करें। ये हमारा हुक्म है। और जो शख्स अदब की चीजों की जो अल्लाह ने मुकर्रर की हैं ताजीम करे, तो ये उसके परवरदिगार के नजदीक उसके हक में बेहतर है। और तुम्हारे लिए मवेशी हलाल कर दिए गए हैं सिवाय उनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाते हैं, तो बुतों की पलीदी से बचो और झूठी बात से परहेज करो। सिर्फ एक अल्लाह के होकर और उसके साथ शरीक न ठहरा कर। और जो शख्स किसी को अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करे, तो वो गोया ऐसा है जैसे आसमान से गिर पड़े, फिर उसको परिंदे उचक ले जाएं या हवा किसी दूर की जगह उड़ाकर फेंक दे। ये हमारा हुक्म है। और जो शख्स अदब की चीजों की जो अल्लाह ने मुकर्रर की हैं ताजीम करे, तो ये काम दिलों की परहेजगारी से है। इनमें एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए फायदे हैं, फिर इनको उस कदीम घर यानी बैतुल्लाह तक पहुंचना और जबा होना है। और हमने हर एक उम्मत के लिए कुर्बानी का तरीक मुकर्रर कर दिया है, ताकि जो मवेशी चौपाए अल्लाह ने उनको दिए हैं, उनके जबह करने के वक्त उन पर अल्लाह का नाम ले। सो तुम्हारा माबूद एक ही है, तो उसी के फरमाबरदार हो जाओ और आजिजी करने वालों को खुशखबरी सुना दो। ये वो लोग हैं कि जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन पर मुसीबत पड़ती है तो सब्र करते हैं और नमाज आदाब से पढ़ते हैं, और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। और कुर्बानी के ऊंटों को भी हमने तुम्हारे लिए अल्लाह के शायर मुकर्रर किया है, उनमें तुम्हारे लिए फायदे हैं, तो कुर्बानी करने के वक्त कितार बांधकर उन पर अल्लाह का नाम लो, फिर जब पहलू के बल गिर पड़े तो उनमें से खाओ, और कनात से बैठ रहने वालों और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। इस तरह हमने उनको तुम्हारे जेरे फरमान कर दिया है, ताकि तुम शुक्र करो। अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है और न खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। इसी तरह अल्लाह ने उनको तुम्हारे जेरे फरमान कर दिया है, ताकि इस बात के बदले कि उसने तुमको हिदायत बख्शी है, उसे बुजुर्गी से याद करो। और ऐ पैगंबर, नेकुकारों को खुशखबरी सुना दो। अल्लाह तो मोमिनों से उनके दुश्मनों को हटाता रहता है। बेशक अल्लाह किसी खयानत करने वाले नाशुक्रे को दोस्त नहीं रखता। जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है, उनको इजाजत है कि वो भी लड़ें, क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा है, और अल्लाह उनकी मदद करेगा, वो यकीनन उनकी मदद पर कादिर है। ये वो लोग हैं कि अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए, इन्होंने कुछ कसूर नहीं किया। हां, ये कहते हैं कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से न हटाता रहता, तो खानकाहें और गिरजे और यहूदियों के इबादत खाने और मुसलमानों की मस्जिदें, जिनमें अल्लाह का कसरत से जिक्र किया जाता है, गिराई जा चुकी होती। और जो शख्स अल्लाह की मदद करता है, अल्लाह उसकी जरूर मदद करता है। बेशक अल्लाह तवाना है,
غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں حکومت دے دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود کی قومیں بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی، اور مدین کے رہنے والے بھی، اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں، لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ چنانچہ بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں، سو وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے مضبوط محل ویران پڑے ہیں۔ سو کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی روح سے ہزار برس کے برابر ہے۔ اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا جبکہ وہ نافرمان تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ لوگوں، میں تو تم کو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں، تو جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں اپنے خیال میں ہمیں عاجز کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کی، وہ اہل دوزخ ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے۔ غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے، بے شک ظالم لوگ مخالفت میں دور جا پڑے۔ اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اللہ کے آگے عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور کافر لوگ ہمیشہ اس کی طرف سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آ واقع ہو۔ اس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا، تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے ان کو اللہ اچھی روزی دے گا، اور بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور اللہ تو جاننے والا ہے بردبار ہے۔ یہ بات اللہ کے ہاں ٹھہر چکی ہے، اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایزا دے جتنی ایزا اس کو دی گئی پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ تو سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور جس چیز کو کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ اونچی شان والا ہے بڑا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے مے برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ مہربان ہے خبردار ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور بے شک اللہ بے نیاز ہے قابل ستائش ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے؟ بے شک اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔
और वही तो है जिसने तुमको हयात बख्शी, फिर तुमको मारता है, फिर तुम्हें जिंदा भी करेगा, और इंसान तो बड़ा नाशुक्रा है। हमने हर एक उम्मत के लिए बंदगी की एक राह मुकर्रर कर दी है कि उसी तरह वो बंदगी करते हैं, तो ये लोग तुमसे इस मामले में झगड़ा ना करें, और तुम लोगों को अपने परवरदिगार की तरफ बुलाते रहो, बेशक तुम सीधे रास्ते पर हो। और अगर ये तुमसे झगड़ा करें तो कह दो कि जो अमल तुम करते हो अल्लाह उनसे खूब वाकिफ है। जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते हो अल्लाह तुम में कयामत के रोज उनका फैसला कर देगा। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ आसमान और जमीन में है अल्लाह उसको जानता है? ये सब कुछ किताब में लिखा हुआ है, बेशक ये सब अल्लाह को आसान है। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जिनकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं फरमाई, और न इनके पास इसकी कोई दलील है, और जालिमों का कोई भी मददगार नहीं होगा। और जब इनको हमारी साफ साफ आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो इनकी शक्ल बिगड़ जाती है और तुम इनके चेहरों में साफ तौर पर नागवारी देखते हो। ऐसा लगता है कि जो लोग इनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हैं उन पर हमला कर देंगे। कह दो कि मैं तुमको इससे भी बुरी चीज बताऊं, वो दोजख की आग है जिसका अल्लाह ने काफिरों से वादा किया है, और वो बुरा ठिकाना है। लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते अगरचे उसके लिए सब इकट्ठे हो जाएं, और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे हैं। इन लोगों ने अल्लाह की कदर जैसी करनी चाहिए थी नहीं की। कुछ शक नहीं कि अल्लाह जबरदस्त है, गालिब है। अल्लाह फरिश्तों में से पैगाम पहुंचाने वाले मुंतखब कर लेता है और इंसानों में से भी। बेशक अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है। जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है वो उससे वाकिफ है, और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है। मोमिनों, रुकू करते और सजदा करते और अपने परवरदिगार की इबादत करते रहो और नेक काम करो ताकि फलाह पाओ। चूंकि आयत सजदा तिलावत की गई है लिहाजा सामईन पर सजदा वाजिब है, और अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा जिहाद करने का हक है। उसने तुमको मुंतखब किया है और तुम पर दीन की किसी बात में तंगी नहीं की, और तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन पसंद किया। उसी अल्लाह ने पहले यानी पहली किताबों में तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था, और इस किताब में भी वही नाम रखा है। तो जिहाद करो ताकि पैगंबर तुम्हारे बारे में गवाह हो और तुम लोगों के मुकाबले में गवाह रहो। सो मुसलमानों, नमाज कायम करो और जकात दो और अल्लाह के दीन की रस्सी को पकड़े रहो, वही तुम्हारा दोस्त है। सो वो क्या खूब दोस्त है और क्या खूब मददगार है।